हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय गुरु प्रसाद जी, भाई राजेंद्र सिंह जी, हमारे सभी, क्योंकि सभी मंडल अध्यक्षगण, जिलाध्यक्ष जी, रवि जी, रघुनाथ जी, चूंकि सूची बहुत बड़ी है और हर जगह में पंचायतों में अलग अलग जगह मुख्य अतिथि बन के लोग गए हैं, इसलिए मैं एक एक नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा। मेरे सभी मुख्य अतिथि अलग अलग ग्राम पंचायतों में जो बन के गए हैं, हमारे सभी नगर परिषदों के अध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, पार्षदगण, सभी सरपंच साथी, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और बुधनी विधानसभा क्षेत्र के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब हम 20-20, 25-25 हजार रुपए के लिए तरसा करते थे, अगर मुरम रोड बनवाना है और 25,000 रुपया चाहिए तो 25,000 मिले कैसे, ये चिंता हमको रहती थी। एक वो कांग्रेस का जमाना था, तब सड़कें नहीं थी, तब बिजली नहीं थी, तब पानी नहीं था, तब सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, तब स्कूल नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, आश्रमशालाएं नहीं थी, छात्रावास नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। आप जरा देखिए, एक जमाना था तब हम कितने पिछड़े थे, सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव था। और तब हम सोचा करते थे, काश कुछ पैसे मिल जाए तो बरसात में आने जाने लायक सड़कें हो जाए। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और आज अपने सभी कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं तो प्रदेश में लगातार काम करता रहता हूं, अभी भी आज मैंने मध्य प्रदेश के हर एक जिले में, आप कल्पना कर रहे हैं, 53,000 करोड़ रुपए के कामों के लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न किए हैं। 53,000 करोड़, प्रदेश में भी पहले कुछ नहीं था कांग्रेस की सरकार में, लेकिन आज विकास की गंगा बह रही है। और अपने बुधनी विधानसभा में 264,45,00,000 कामों का हम भूमि पूजन कर रहे हैं और लोकार्पण कर रहे हैं 71,28,00,000 रुपए का। पहले हम कभी सोच नहीं सकते थे, अगर पूरे विधानसभा के इस समय चलने वाले काम ही हम देख लें तो 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काम तो चल रहे होंगे। 700 करोड़ का मेडिकल कॉलेज आपका, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे खर्च हो रहे हैं देवी लोक के निर्माण में। अभी अनेकों स्थानों पर हमने मंदिर के आसपास सुविधाओं को विकसित करने के लिए पातालेश्वर से भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। और आज जो बुधनी हो, रहटी हो, साहेगंज हो, भैरूदा हो, उन नगर पंचायतों के अलावा जो हमारी अलग अलग पंचायतें हैं, अकोला, सरदार नगर, नॉन भेंट, खिड़िया कुर्मी, सनखेड़ा, सनखेड़ी, इटावा, खुर्द, श्यामपुर, निमोटा, बड़नगढ़, इटावा, ससली, सिराली, चौरसा खेड़ी, धौलपुर, बाई बोड़ी, छिपानेर, गुडवानी, बसंतपुर पागरी, बगवाड़ा, मगरिया, बोरखेड़ा, सेमल पानी कदीम, राला, तलाड़िया, नीलखंड, ढालिया खेड़ी, डिमावर, पाड़लिया, कुसुम खेड़ा, खुआ, डोबी, बांसगैन, मट्टागांव, मरदानपुर, मोगरा, सत्रमऊ, सावल खेड़ा, अब ये लिस्ट ही पढ़ू तो इतनी लंबी है। अलग अलग जितनी भी अपनी पंचायत है, खिड़िया कुर्मी, गादर, चीखली, आमोन, जैत, जौनतला, डुगरिया, नांदेर, पहाड़खेड़ी, बख्तरा, भड़कुल, रतनपुर, सनखेड़ी, सियागेन, सरदार नगर, शायद मैंने नाम ले दिया था, खांडाबड़, खिदवाई, नया गांव, पथौड़ा, बरखेड़ा, सलकनपुर, इटारसी, कोसमी, खटपुरा, खैरी सलगना, जवारखेड़ा, डोबी, नारायणपुर, नॉनमेट, बनेटा, बाया, मड़ावन, सत्रामऊ, सलकनपुर, सावलखेड़ा, सेबरी, अकोला, आमली घाट, कोई कल्पना करता है क्या इतने गांव में, इसके पहले भी कई गांव में जिनके नाम मैंने नहीं लिए, हर जगह विकास के काम हो रहे हैं। मैं अगर ये कहूं तो नर्मदा जी की धार के साथ साथ विकास की गंगा अपने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में बह रही है। इतने काम कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
और आज चूंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, मैं आपका आभारी हूं कि हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण अलग अलग पंचायतों में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे हैं। आप जनता के बीच में इन कामों का लोकार्पण कीजिए, शिलान्यास कीजिए और जनता को आश्वस्त कीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज की प्रतिबद्धता है, मेरा अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पण है, प्रदेश के प्रति समर्पण है, जो इतने विकास के कामों के लिए मैं धन भी जुटा लेता हूं और जनता की सेवा के लिए भी पैसे की कसर नहीं रहने देता। आज जितने काम हुए, क्योंकि मैं उल्लेख करूंगा तो घंटों लग जाएंगे, पर अभी मुझे जाना है डिंडोरी, वहां मेरा कार्यक्रम है, फिर वहां से लौट के भी आना है। आप इन हर गांव में जो काम हो रहे हैं, उन सब कामों का मैं यहीं से शिलान्यास कर रहा हूं, यहीं से लोकार्पण कर रहा हूं। हमारा बुधनी विधानसभा क्षेत्र बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, घाटों का निर्माण देखिए तो कितने विविध प्रकार के काम, हर गांव में पीने का पानी, गांव में बिजली के कनेक्शन, कोई पक्ष पर नहीं छोड़ा, जो गांव जो जो काम हो सकते थे सारे के सारे काम हम संपन्न कर रहे हैं। तो हर एक गांव की जनता को, शहरों की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा आना प्रदेश की व्यस्तता के कारण संभव नहीं था, इसलिए तय किया कि भोपाल से लोकार्पण शिलान्यास का काम करें, लेकिन जो मुख्य अतिथि गए हैं, प्रमुख नेतागण गांव में अलग अलग गए हैं, उन नामों की पूरी सूची है, वो ढंग से जनता को वहां पता है कि उनके गांव में कितने काम होने वाले हैं। और दूसरे कलेक्टर सीहोर भी बहुत गतिशील और ऊर्जावान कलेक्टर है और हमारी अधिकारियों की टीम भी बहुत ही अच्छी है, मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूँ। सब काम ठीक समय पर हो, गुणवत्ता पूर्ण हो, ये चिंता करना भी आपकी ड्यूटी है, ताकि कामों की गुणवत्ता में कोई कसर न रह पाए और ये काम अपनी जनता के लिए वर्षों तक उपयोगी हो पाए। विभिन्न योजनाएं अपनी, उन योजनाओं के आज नाम नहीं दिलाऊंगा, इतनी योजनाएं है कि कोई परिवार छूटे नहीं। आप बताओ ऐसी सरकार कभी देखी क्या, जो रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई रोजगार सबके इंतजाम में लगी है, बीमार हो जाए तो इलाज से लेके, बेटियों की शादी से लेके, कौन सी चीजें जो अपन नहीं कर रहे। लेकिन मुझे केवल इतने ही आग्रह करना है कि आप समर्पित भाव से इन कामों को जनता के बीच ढंग से रखना है, याद दिलाना है। पहले एक भी सड़क अगर कहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बनती थी तो वो खबर बनती थी कि फलानी जगह सड़क बनी, लेकिन अब इतनी सड़कें बन रही है कि जब तक हम ढंग से याद नहीं दिलाएंगे कि ये मामा ने किया है, भैया ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है, तब तक जनता उनका महत्व नहीं समझेगी। बहुत चीजें होने लगती तो लगता है कि यहाँ भी हो रही, वहां भी हो रही, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि हो क्यों रही है। और हमको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई सरकार क्यों होती है, विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। तो विकास हम कर रहे हैं, जनता का कल्याण हम कर रहे हैं, तो जो विकास करें उसके साथ रहें। मंदिरों में काम से लेके आवास के निर्माण तक कौन सी चीजें हमने छोड़ी, हमारी आईटीआई देख लो, हमारे कॉलेज के भवन देख लो, हमारे छात्रावास देख लो, कितने काम। मुझे तो खुद आश्चर्य होता है कि इतने काम हम कर कैसे पाए, लेकिन ये सच है कि हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, मातृ वंदना, ई स्कूटी, गांव की बेटी, प्रतिभा करण, कितनी योजनाएं, किसानों की योजनाएं, कल ही मैंने किसानों के खाते में पैसा डाले, हर योजना का आदर्श क्रियान्वयन हमारे यहाँ हो रहा है। और इसलिए मेरा सभी जो हमारे कार्यकर्ता भाई और बहने, ग्रामवासी है, शहरवासी है, उन सबसे अपील करता हूं कि इन कामों को सकारात्मक रूप से लेकर जनता में जाएं, गर्व के साथ जाएं और ये कहें कि विकास चाहिए तो चलो फिर भारतीय जनता पार्टी, विकास चाहिए तो भैया चाहिए, तो मुझे लगता है ढंग से चीजें पहुंचाएंगे। एक एक हितग्राही से हमको संवाद और संपर्क करना चाहिए, ताकि उसकी जानकारी में चीज आए कि ये कौन करवा रहा है। एक सड़क अगर बन रही तो सड़क पर रहने वाले परिवारों से हमारा संवाद होना चाहिए। सिंचाई की योजना अगर नर्मदा जी से पानी खींच के हम लेके आ रहे हैं, बताइए नहर के टेल एरिया में पानी नहीं आता था, नर्मदा जी का पानी हम लेके आ रहे हैं, ये कोई कर सकता था क्या, ये कभी कोई सोच सकता था क्या? जो असंभव था वो हमने संभव करने का काम किया है। इस अवसर पर मैं अपने पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि
कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके नगर में विकास की गंगा बह रही है, इन कामों को जनप्रतिनिधि सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक, उनसे भी मैं अपील करता हूँ पार्षद से लेकर अध्यक्ष तक कि भैया गुणवत्तापूर्ण काम कराएं, अच्छे काम कराएं, जनता का दिल जीतें, जनता को रोज याद दिलाएं कि ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, भैया ने किया है, मामा ने किया है। तो मैं समझता हूं कि हमको अवेयर करने में सुविधा मिलेगी और ये बहुत पुण्य का काम है। कौन करता है ये? जनता की सेवा का काम, ये हमारी तो काम है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, ये बहुत पुण्य का काम है। ये काम करके हम अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं। जीना उसी का है जो दूसरों के काम आ सके। मैं कई बार कहता हूं अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए जीना ही राजनीति में काम करने का मतलब है, दूसरों की सेवा करना ही राजनीति का अर्थ है। और इसलिए हम समर्पित भाव से जनता के बीच में जाके इन कामों को जनता के बीच रखें और संपूर्ण क्षेत्र अपने साथ खड़ा करें। कोई भी हमसे दूर क्यों हो, कोई भी हमसे अलग क्यों हो, आह्वान कीजिए, विकास के साथ चलिए, भैया के साथ चलिए, मामा के साथ चलिए। एक बार फिर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत बधाई, और आप सबके स्नेह के लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। सर आपके स्नेह और आशीर्वाद के लिए सर हम आपके आभारी हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर।